हमारा खानदानी सिलसिला अजमेर के मशहूर पिथरा चौहान से मिलता है। मैं शिकारपुर का सबसे बड़ा जमींदार हूँ। राजस्थान में हमारी भी जमीनात हैं और तुम्हारी हैसियत के जमींदार हर सुबह हमें सलाम करने हमारी हवेली पर आते रहते हैं। हमें ऊंची आवाज सुनना भी पसंद नहीं। हमारे सामने जो ऊंची आवाज में बोलता है उसकी आवाज हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दी जाती है। हाय दोस्तों, जितनी भी हमारी आइडियंस होंगी तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बंदा किधर खड़ा हुआ है। आप लोग सोच के आ रहे होंगे, दिखाई पड़ रहा है साफ साफ कि हम कहाँ पे खड़े हुए हैं। तो फिलहाल आप लोग देख सकते हो हमारे बैकग्राउंड में ये बगल में खेत रहा, तो इस खेत में हमने काफ़ी ब्लॉग वीडियो बनाया। इस खेत का धान पकने भी लगी और इसी खेत में अरे नुकसान भी हो गया था, जानवर फिर दुआ वाले चले गए थे। फिलहाल अब थोड़ा बहुत शांति हो गया कि कुछ खेतों में धान पक तो गया है फिलहाल, क्योंकि ये धान था ना जल्दी वाला धान था, इसीलिए जल्दी वाला धान लगाया गया इस खेत में, क्योंकि इसमें राई भी बहनी पड़ेगी ना, क्योंकि राई वो उसको राई उसे कहते हैं गाइस जो तेल निकालते हैं ना खाने आने वाला जो तेल होता है कड़वा, वही वाली राई बह जाएगी इस खेत में। तो आप लोगों को ब्लॉग वीडियो में बताएंगे दिखाएंगे, क्योंकि रियल लाइफ का ब्लॉग वीडियो तो चलाना ही पड़ेगा ना इस चैनल पे, क्योंकि ऑलरेडी हमने कैटेगरी चूज़ कर लिया है ब्लॉगिंग वाला इस चैनल का। तो आप लोग देख ही सकते दूर दूर का नज़ारा अच्छा ही है और क्या, काफ़ी अच्छा लोकेशन लग रहा है। और मेला देखा था ना पिछले दिन, तो उसका मैंने वीडियो शूट किया है, आप लोग देख ही चुके होंगे। मतलब अच्छा खासा मैंने ब्लॉग्स वीडियो वहाँ शूट कर नहीं पाए थे, मेरे को टाइम ही नहीं मिला था, क्योंकि वो इंटरव्यू वाला वीडियो था ना उसमें टाइम लग गया था एडिटिंग करने में, इसीलिए हम देख नहीं पाए थे उसको। दशहरा को ना तो काफ़ी अच्छा ब्लॉग वीडियो इस चैनल पे आता, समझ में भी आता आप लोगों को कि ब्लॉग वीडियो में क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा, और राम कैसे रावण को मारता है कैसे वध करता है। बहुत ही बरसों पहले युद्ध हुआ था राम लक्ष्मण रावण का, इसीलिए वो रामलीला बना दी गई है। अब वो हर साल मनाया ही जाता है इंडिया में, ऑल इंडिया में रामलीला मनाया जाता है, दशहरा बोलते हैं जिसको नवमी के बाद आता है। तो गाइस आप लोग कंटिन्यू ब्लॉग वीडियो पे बने रहना गाइस, सब घर पे जा रहा हूँ क्योंकि मेरे को वीडियो भी एडिटिंग करना पड़ेगा ना। भाई नाजिम स्कूल के बच्चे बड़े फेमस हो रहे हैं यार, वो ना है प्रिया प्रकाश बैरियर ना सो उनने भौहें उठाई और भाई सब ट्रेंडिंग में चल रही है, इंस्टाग्राम पे 5 मिलियन फॉलोअर्स हो गए यार उसके, हम भी फेमस। हेलो काम हो गया भाई साहब, आ जाओ। ए नाजिम ये तो यहीं आ गया आदमी, मैं से निपटा जाता हूँ तुम यहीं बैठो। अबे 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 बेरे ये क्या कर रहा है, फोटो तो देख ले, फोटो किसका है? चलिए मैं मोटा चावल ही डालता हूँ। अपने रखिया चढ़ते तो चढ़ते ही जिथे चलते रखा।